जी हाँ, फाइनली अब ऑफिशियल हो गया है। नितेश तिवारी जो रामायण बना रहे हैं उसकी ऑफिशियल कास्टिंग हो गई है और रणबीर कपूर और साई पल्लवी हमको देखने को मिलने वाला है प्रोबेबली लीड कैरेक्टर्स में। और हमको यश यानी फाइनली रॉकिंग स्टार यश हमको किसी फिल्म में देखने को मिलने वाले। KGF 2 के बाद से उन्होंने कोई फिल्म साइन ही नहीं की थी, बिल्कुल भी कुछ देखने को नहीं मिल रहा था। अभी भी KGF 3 की बात ही चल रही है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो उसका भी नहीं हुआ। हालांकि इस फिल्म का भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ, लेकिन अभी कुछ ही दिनों के अंदर हो जाएगा। लेकिन खबर पूरी तरीके से कंप्लीट है और बिल्कुल सही है, यश हमको देखने को मिलने वाले हैं, रावण के किरदार में देखने को मिलेंगे और देखने वाली बात होगी, मज़ा आएगा। क्योंकि अच्छी बात यह है कि नितेश तिवारी डायरेक्टर है, वो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही फाइन डायरेक्टर है। उन्होंने दंगल का डायरेक्शन किया था और बहुत ही बेहतरीन उनका काम रहता है। आप देखें बीच में भी KBC भी जो आया था, मेरे ख्याल से 1.5 साल पहले की बात है या पिछले साल से भी पहले की बात है, तो उसका भी प्रोमो उन्होंने ही डायरेक्ट किया था। वो प्रोमो कितना रियलिस्टिक लगा था, वो बहुत ही बढ़िया डायरेक्टर है। तो वो देखने को मिलने वाले, वो बनाएंगे इस रामायण को, तो उम्मीद है। और अच्छी बात यह है कि इस बार इन्होंने ये चीज़ नहीं करी जैसे आदि पुरुष में इन लोगों ने क्रिएट किया। क्योंकि सच बात यही है कि रामायण जो है वो इतनी बड़ी कहानी और इतनी बड़ी स्टोरी है कि उसको आप जो 2.5 या 3 घंटे की फिल्म में दिखा नहीं सकते। जितने भी सारे उसमें सीक्वेंसेस हैं एक के बाद एक, उन सब वो सभी इतने प्रोमिनेंट और इतने इंपॉर्टेंट है कि उनको प्रॉपरली डिटेल में दिखाया जाना बहुत ज़रूरी है, तभी उस फिल्म का मजा आता है। अच्छी बात यह है कि इसको ट्रिलॉजी के रूप में बनाया जा रहा है, यानी कि 3 फिल्में हमको एक के बाद एक देखने को मिलेंगी, जिनमें से फर्स्ट जो है हमको वो देखने को मिलने वाला है। फर्स्ट पार्ट जो होगा वो बिल्कुल स्टार्टिंग वाला होगा और वो सीता हरण वाला जो जगह है वहाँ पर जाके लगभग उसी के आसपास में वहाँ पर उसको खत्म किया जाएगा फर्स्ट पार्ट को। यानी प्रोबेबली इसी के अंदर हमको मेनली देखने को रणबीर कपूर और साई पल्लवी इसमें मेनली देखने को मिलेंगे और यश की एंट्री काफ़ी बाद में होगी। और यश जो है इस फिल्म का फर्स्ट वाला जो भाग है इसका जो है 15 दिन का शूट करने वाले हैं। और जहाँ तक बात किया रणबीर कपूर, ये पहले ही अभी फरवरी 2024 से ही शूट चालू कर देंगे, यानी 2024 के फर्स्ट क्वार्टर फरवरी से ही शूट चालू कर देंगे। और यश जो है काफ़ी एंड में इसको ज्वाइन करेंगे, मेरे ख्याल से जुलाई के समथिंग में ज्वाइन करेंगे, जुलाई या अगस्त के आसपास में जो है शूट अपना ज्वाइन करेंगे। लेकिन उनका शूट सिर्फ और सिर्फ 15 दिन का ही रहने वाला है इस फर्स्ट पार्ट के लिए। और ये फिर फर्स्ट पार्ट रिलीज़ होगा जब भी हमको देखने को मिलेगा, प्रोबेबली मुझे लगता है 2025 में ही देखने को मिल पाएगा, ऐसे चांसेस लगते हैं। लेकिन इसमें मज़ा आएगा और फर्स्ट पार्ट यहाँ तक तो चलेगा, जो सेकंड पार्ट होगा फिर वो पूरा हमको लंका में, यानी कि पूरे श्रीलंका का शूट हमको पूरा सब कुछ देखने को मिलेगा और लंका की पूरी कहानी देखेगी। और उसमें मेनली मुझे लगता है हमें देखने को मिलेंगे यश, और उसके बाद फिर ट्रिलॉजी थर्ड में जाएगी। तो मुझे यही लगता है कि ये अच्छी चीज़ है कि शुरुआती ये पूरा बताएंगे और पूरा अयोध्या से लेकर पूरी कहानी से लेकर वो वनवास की स्टार्टिंग तक का वो फर्स्ट पार्ट में दिखा दिया जाएगा। और सेकंड पार्ट जो है वो प्रॉपर जो ट्रिलॉजी का जो सेकंड पार्ट रहेगा वो हमको प्रॉपर देखने को मिलेगा लंका के वक्त का, और वो सारा पूरा जो जाने का है प्रोसेस और पूरा वहाँ से लेकर लंका तक पूरा जाने का पैदल और पूरी अपनी सेना इकट्ठा करना और वो सारी चीज़ें चलेंगी वो देखने को मिलेगा। और थर्ड फाइनल पार्ट हमको देखने को मिलेगा एवेंजर्स एंड गेम की तरह आप कह सकते हैं, कि पूरा एंड गेम में आपने देखा होगा तकरीबन 1 घंटे से भी ज़्यादा का एक्शन सीक्वेंस हमें लास्ट में देखने को मिला था क्लाइमैक्स का। तो उसी प्रकार से थर्ड पार्ट पूरा का पूरा एक्शन सीक्वेंस वाला ही पूरा होगा, जिसमें हमको पूरा वो देखने को मिलेगा लास्ट की जो पूरी की पूरी लड़ाई है और वो सब कुछ देखने को मिलेगा, वो अंत के साथ खत्म किया जाएगा। प्रोबेबली बहुत ही बढ़िया ये हमको ट्रिलॉजी देखने को मिलने वाली है। हालांकि रणबीर कपूर एक और ट्रिलॉजी ऑलरेडी कर रहे हैं ब्रह्मास्त्र, लेकिन उससे भी बढ़िया ये देखने को मिलने वाली है और मज़ा आएगा फिल्म के अंदर।